राजस्थान में एक राजपूती ठिकाना हुआ करता था चांदथली, और वहाँ की कुंवरानी गुरु महाराज की परम शिष्या हुई। वो उनके यहाँ एक मास्टर जी एक बच्चों को पढ़ाने आया करते, तो उनके हाथ में साधन पत्रिका होती थी, और जब वो बच्चों को पढ़ाने में प्रश्न इत्यादि दिया करते थे तो वो उसको बीच में पढ़ लिया करते थे। एक बार वो साधन पत्रिका वहीं उसी कमरे में रह गई, और जब कुंवरानी उसको वहाँ कमरा साफ करने आई तो उनको वो साधन पत्रिका मिली। वो 2-3 कक्षा तक पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया था। तो उन्होंने जब साधन पत्रिका को पढ़ा तो वो जितना वो पढ़ती गईं उनके अंतर में जिज्ञासा बढ़ती गई और तीव्र होती गई, और कुछ दिनों पश्चात उन्होंने गुरु महाराज को पत्र लिखा कि मैं भी ये साधना सीखना चाहती हूँ, परंतु हमारे यहाँ कड़ा पर्दा प्रथा है और गैर मर्दों से मिलना नहीं दिया जाता है, और हम बाहर भी नहीं जा सकते, तो ये कैसे मैं ये सीख सकती। गुरु महाराज ने उनको पत्र लिखा कि बेटी, हम तुम्हें ये साधना अवश्य सिखाएंगे और हमारी बात कभी व्यर्थ नहीं जाती। और उसी दिन रात्रि में स्वप्न में गुरु महाराज ने उन्हें साधना बताई, और पूरी उन्हें ध्यान इत्यादि का पूरा उनको स्वप्न में ही दीक्षा दी। कुछ दिन बाद उन्होंने इस बात की चर्चा करते हुए पत्र लिखा कि आपने मुझे स्वप्न में ये साधना बतलाई, और उस दिन साधना के जब आपने ये ध्यान कराया तो मेरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश था, और एक अजीब सी खुमारी, एक अजीब सा अलग सा आनंद मैं तब से महसूस कर रही हूँ। उस खुमारी में सब कुछ उलट पुलट सा हो रहा है, मेरा मन आप में ही लगा रहता है, और मेरे दस्त भी लग गए। जब ये पत्र गुरु महाराज के पास आया तो उस टाइम पूज्य मास्टर ब्रजलाल जी रतनगढ़ वाले वो गुरु महाराज के पास ही थे। उन्होंने कहा कि ब्रजलाल, इसको पढ़ो। उन्होंने पढ़ा तो फिर उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि उन्हें दस्त क्यों लग गए। तो उन्होंने कहा महाराज आप ही बता दीजिए। तो वो बोले, गुरु महाराज ने बतलाया कि अब उनके संस्कार कट गए और वो पवित्र और हल्की हो गई। वो उनकी काया पवित्र हो गई, और फिर बाद में वो हमने सबने देखा कि कैसे उन्होंने अपना गुरु महाराज से निरंतर वो संपर्क रखा, और गुरु महाराज और सब सत्संगी भाई पंडित जी महाराज सब गए, और वहाँ उनका सारा परिवार, जिस परिवार में पूज्य सरदार सिंह जी भी थे, वो सारा परिवार अब सब अभी तक उनके लापोरिया इत्यादि बहुत से गांवों में ये सत्संग उन्हीं के गुरु महाराज की एक स्वप्न के कारण एक छोटे से संकल्प से ही फैल गया और वो इतनी प्रेममयी हो गई, इतने उन्होंने सुंदर भजन हम लोग जो गाते हैं वो उन्होंने रचना की। और जब जब वो गुरु महाराज को पत्र भेजा करती थीं तो इत्र का फोया और गुलाल संग में रखती थीं। और एक बार वो जयपुर आईं तो जयपुर में जिया माँ विराज रही थीं, वो अपने पूरे परिवार के साथ आईं तो रात्रि में उनका कहीं पास में ही इंतजाम किया गया। तो उन्होंने परम पूज्य पापा जी से यही कहा कि लल्लू भैया, आज मैं जिया के कमरे में साथ में ही रहना चाहती। बहुत उन्होंने आग्रह किया तो उनका इंतजाम भी वहीं जिया के कमरे में किया गया। और फिर जब वो कुछ दिन बाद जब वो चली गईं तो उनका पत्र परम पूज्य पापा जी के पास आया कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जब से मैं आई हूं तब से मुझे हर जगह प्रकाश ही प्रकाश नज़र आ रहा है। मैं उस रात जिया के पलंग के नीचे सोई तो उसका ये महीना हो गया, लेकिन मैं उस हर जगह मुझे वो प्रकाश नज़र आता है। ये गुरु महाराज की ऐसी महिमा थी। अभी शेरघाटी जाना का अवसर मिला और शेरघाटी प्रांत में एक बार, उस छोटे कस्बे में एक बार गुरु महाराज 2-3 सत्संगियों के साथ ही गए थे। उस जमाने में ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। तो वहाँ पर एक पंडित जी थे, वो भी अध्यापक थे लेकिन परम ज्ञानवान थे। तो गुरु महाराज ने उन्हें कहा कि तुम ये विद्या सीखो और सब में बांटो। लेकिन वो जब जब गुरु महाराज उनको कुछ बतलाना चाहें तो वो सारी पोथी के जितना ज्ञान था वो बताने लग जाएं। 2-3 बार गुरु महाराज ने प्रयास किया, फिर गुरु महाराज मौन हो गए। और वो जो पंडित जी थे वो अपनी बातें कह करके वो भी विदा हो लिए। तब उनके संग पूज्य डॉक्टर शिवशंकर प्रसाद जी थे। उन्हें गुरु महाराज ने कहा कि तुम यहाँ पर ये सत्संग को देखो और तुम यहीं अपनी क्लिनिक, होम्योपैथिक क्लिनिक लगा लो। और तब वो कह कर के आ गए। और उस एक छोटी सी, जब गुरु महाराज का छोटा सा संकल्प था, वहाँ कुछ भी नहीं था और बरसों बरसों उनकी मेहनत और गुरु महाराज का प्रेम ऐसा रहा कि वहाँ सत्संग बढ़ता ही गया। और फिर उसके बाद सत्संग नगर बस गया। और वहाँ पर परम पूज्य छोटे भैया जब गए तो वहाँ पर जो कोई कमी थी, प्रेम और ही प्रगाढ़ हो गया और प्रेम का इतना पसारा हो गया। ये सब गुरु महाराज के एक छोटे से संकल्प से हो गया। यही जो परम पूज्य जो हम वो उन्होंने, वो पंडित जी थे वो तो अध्यापक ही रहे, लेकिन पूज्य डॉक्टर साहब का वहाँ बहुत नाम हो गया। उन्होंने सब जगह सत्संग की स्थापना की, सबके घरों में। लेकिन तभी ये कहा जाता है कि सब कुछ व्यर्थ है यदि मनश्चेन लग्नम गुरु रंध्र पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मन अगर गुरु के कमल रूपी चरणों में ना रुका तो सब व्यर्थ है, चाहे घर बार, सुंदर काया, कितनी भी ख्याति हो जाए। लेकिन ये यदि मन गुरु के चरणों में ना रुका तो सब व्यर्थ है। यही शंकराचार्य कह रहे हैं। पंडित जी महाराज ने यही कहा था कि तुम कितने भी ज्ञानवान हो जाओ, तुम ज्ञान तुम्हारे अंतर में भर जाएगा। लेकिन जब तुम उस थोथे ज्ञान के अग्नि में जलने लगोगे, तब तुम्हें गुरु रूपी चरणों में उसकी शीतलता ही उसके शीतल जल के ठंडे छींटे देगी। तभी तुम्हें असल ज्ञान प्राप्त होगा। वही हाल वो शेरघाटी के उन अध्यापक ने किया। गुरु महाराज जाने उनको क्या देने के लिए गए थे, लेकिन वो थोती पुस्तकों के ज्ञान के कारण ही वो उसे न ले सके, और जिन्होंने लिया उन्होंने वहाँ की काया पलट दी। यही ये गुरु महाराज का ये छोटा सा संकल्प का ये सारा सृजन है, और ईश्वर का सृजन यही होता है कि वो निरंतर चलता ही जाता है। परम पूज्य पंडित जी महाराज ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि 500 बरस तक तो दिखता है। ऐसे महान सत्संग में हम लोग बैठे हैं। हम लोगों का इतनी बड़ी बड़भागी हैं जो हम ऐसे महान सत्संग में अपने को, जहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं करने के बावजूद हमारे हृदय में वो अमृत कण स्वतः ही प्रवेश कर जाते हैं।